प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद भाषण दिया। इस संबोधन में उन्होंने सदन को संबोधित किया और सबसे बड़ी बात यह रही कि जबरदस्त रूप से कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए, पीएम ने कांग्रेस की एक एक बातें गिनाई, पीएम ने एक के बाद एक कांग्रेस को तमाम मुद्दों पर घेरा, लेकिन क्षेत्रीय दलों पर एक भी टिप्पणी नहीं की। राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में रखने की कोशिश पीएम ने अपने संबोधन में जरूर की, लेकिन अपने अभिभाषण में जरूर की, लेकिन क्षेत्रीय दलों के ऊपर उन्होंने एक कटाक्ष नहीं किया। ये यूं ही नहीं है, इसके मायने हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में 2.5 घंटे से भी ज्यादा का समय लिया। इस दौरान पीएम का हमला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार तक रहा, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, क्षेत्रवाद का मुद्दा हो। पीएम ने एक बार भी कांग्रेस के सहयोगी दल या दूसरे क्षेत्रीय दलों पर निशाना नहीं साधा, निशाना साधना तो छोड़िए, नाम भी नहीं लिया। इसके ठीक उलट इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं के चर्चित बयानों को भी कांग्रेस पर हमले के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि आखिर पीएम ने भाषण में कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार तक ही अपने आप को क्यों सीमित रखा, वो भी तब जब खुद पीएम ने लोकसभा में यह कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस की दुकान में ताला लग गया। पीएम ने कांग्रेस के दर्शक दीर्घा में बैठने की भविष्यवाणी भी कर दी। दूसरी ओर पीएम ने राज्यसभा में कांग्रेस की लड़ाई में दूर दूर तक नहीं होने का संदेश भी दिया और उसकी कम से कम 40 सीटें आने की कामना भी की। दरअसल बीजेपी की पूरी ये कोशिश है कि लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम राहुल के बीच जंग का रूप दे दिया जाए। बीजेपी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों और इसके नेताओं पर पीएम के हमले के कारण चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की जगह क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। दूसरा एक बहुत बड़ा जो बिंदु है वो ये कि 400 प्लस की जो लड़ाई, जो टारगेट इस वक्त बीजेपी लेके चल रही है, कई राज्यों में वो इन सहयोगी दलों के साथ ही संभव हो पाएगा। शायद इसलिए भी क्षेत्रीय दलों पर कटाक्ष करने से, वार करने से, उनको घेरने से बीजेपी बच रही है। बीते दो लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कांग्रेस की बीजेपी से जो लड़ाई है, या यूं कहें कि कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर रही है बड़ी पार्टी के रूप में, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। देश के 15 ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां दोनों के बीच एकदम सीधा मुकाबला दिखाई पड़ता है। बीते चुनाव में इन राज्यों की 190 सीटों पर इन्हीं दो दलों के बीच मुकाबला था, यानी लगभग 15 राज्यों की 190 सीटें जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि वहां कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने हैं। हालांकि ये बात और है कि इन 190 सीटों में से बीजेपी ने पिछले साल 175 सीटें जीती थी पिछली बार के चुनाव में। इस बार इन सभी राज्यों में बीजेपी के मुकाबला फिर से कांग्रेस ही खड़ी होती दिखाई पड़ रही है बीजेपी के मुकाबले में। कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हारी है और उसे तकरीबन 40% वोट मिले। लेकिन अब अगर देखा जाए तो सीधा प्रतिद्वंदी के तौर पर जो एक बड़ा मुकाबला दिखाई पड़ता है इन राज्यों में, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही दिखाई पड़ता है। इसलिए भी बीजेपी ये चाहती है कि सीधा जो मुकाबला है, जो बात है, वो कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ ही हो, न कि किसी क्षेत्रीय दल को लेकर केंद्रीय मुद्दों को धूमिल किया जाए। इधर जेडीयू के निकलने और तृणमूल कांग्रेस के तेवर दिखाने के कारण आईएनडीआईए गठबंधन कमजोर दिख रहा है। हालांकि ये गठबंधन सामाजिक न्याय, खासतौर पर आरक्षण, जातिगत जनगणना के सवाल पर बीजेपी को घेरना जरूर चाहता है, लेकिन अभी तक वो मजबूती नहीं नजर आई, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब रहा है, ढुलमुल रहा है। इसलिए बीजेपी कांग्रेस की कमियां गिनाकर उसके सहयोगियों को भी उनसे दूर करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्षेत्रीय दलों के कुछ इस तरीके के जो बयान थे उसे कोट करके कांग्रेस को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विस्तार से चार सबसे बड़ी जातियों के विषय में हमको संबोधित किया। वो जातियां हैं युवा, नारी, गरीब और हमारे अन्नदाता यानी किसान। हम जानते हैं कि इनकी समस्याएं और सपने एक समान हैं। इन चारों वर्गों की समस्याओं के समाधान के रास्ते भी एक समान ही हैं।
जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते दिखाई पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो एक सेट प्लान है कि वो क्षेत्रीय दलों पर न बोलेंगे न क्षेत्रीय दलों पर कटाक्ष करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो ये कि केंद्र के जो बड़े मुद्दे हैं वो धूमिल ना हो, इसलिए भी क्षेत्रीय दलों को नहीं टारगेट पर लिया गया। दूसरा सबसे बड़ा कि जो 400 प्लस की बात लगातार बीजेपी कह रही है या जिस टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और अमित शाह काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस टारगेट को पूरा करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए तो इन क्षेत्रीय दलों का सहयोग न मिले। शायद इसलिए क्षेत्रीय दलों को न रडार पर लिया जा रहा है न टारगेट पर लिया जा रहा है, बल्कि इन क्षेत्रीय दलों को कुछ बयानों के जरिए ये एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि वो तो कांग्रेस भी उनके खिलाफ रही है हमेशा से। प्रधानमंत्री के बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, ने जमकर प्रधानमंत्री को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी देर तक राज्यसभा में बोले और मैं सोच रहा था कि उन्हें इतनी देर तक बोलने का मौका कैसे मिला, और फिर मुझे एहसास हुआ कि दो विशेष कमांडर वहाँ नहीं थे तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठा लिया। मुझे लगता है कि खड़गे ने वो गाना तो सुना ही होगा कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। जिस तरीके से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थीं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब सदन में गए थे तो फुल फ्लेज वो कांग्रेस पर ही हमला करने के लिहाज से गए थे। इधर अगर देखा जाए तो जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि बीजेपी खासतौर से ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव का जो मुकाबला है वो पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच का हो, यानी पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी का बन जाए, क्योंकि लोकप्रियता की दृष्टि से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से कोसों दूर हैं। पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर नेतृत्व का सवाल प्रमुख मुद्दा बना तो मोदी की सशक्त और स्वीकार्य छवि जो है उसका लाभ चुनाव में बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोनों सदनों में पीएम ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, उम्मीद के अनुरूप विकास नहीं होने की बात पर कांग्रेस को जमकर घेरा, जबकि कई क्षेत्रीय दलों में भी परिवारवाद भ्रष्टाचार है, ये बात भी सब जानते हैं, लेकिन कहीं पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय दलों का जिक्र नहीं किया, सीधे उनका फोकस गांधी परिवार और कांग्रेस ही रहा। इसलिए भी सियासी महकमे में, सियासी गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सहज और सामान्य बात नहीं थी। दो बहुत विशेष टारगेट ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता भी इस वक्त काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। क्षेत्रीय दलों पर पूरी तरह से फोकस्ड होकर उनको कटाक्ष से, उनको घेरने से दूर रह रही है बीजेपी। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक टारगेट सेट करते हुए लोकसभा चुनाव का जो 400 प्लस का है, दूसरा केंद्रीय मुद्दों को एकदम जम कर सामने रखने का है, इन दोनों मुद्दों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी सदन में बिल्कुल भी क्षेत्रीय दलों को न छुआ, न उनकी बात की, ना ही उनको घेरने की कोशिश की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।